वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 की बात है ये। इसका पेपर 12 जनवरी 2020 को हुआ था। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है 29 नवंबर को, उसके परिपालन में क्या हुआ कि एडिशनल मेंस कराया जाएगा। अब एडिशनल मेंस किन का कराया जाएगा उसके बारे में है, तो कुल मिला के जो 6 पद थे उनके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी पहले, और इसमें जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट कर दिए गए थे अब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी 9 कैंडिडेट जो हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। ठीक, ये देख सकते हैं आप, और यही नंबर ऑफ कैंडिडेट की लिस्ट भी है कि जो परीक्षा थी 6 पद के लिए थी, और उसके लिए आप देख सकते हैं कि 99 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट किए गए हैं। तो ये कैंडिडेट की लिस्ट है पार्ट ए के लिए, जो कि रिजल्ट रिवाइज हुआ है। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं कि जो मुख्य भाग के लिए जो विशेष मुख्य परीक्षा है उसमें कितने कैंडिडेटों को लिया गया है, नए 13 कैंडिडेट। तो कुल मिला के जो 13 कैंडिडेट नए हैं उन्हीं के लिए अब क्या होगा, इस प्रकार से जो एडिशनल मेंस है वो आयोजित किया जाएगा। आप चाहें तो इनका रोल नंबर यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी इनका रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ये रहा 8565। ठीक है, 13 नंबर के कैंडिडेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर 97 पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों लिस्ट में इनका नाम रहेगा, ये इन लोगों की ही केवल एडिशनल मेंस लिया जाएगा। तो ये पूरा रिजल्ट है। वहीं स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या हुआ कि पार्ट बी के लिए कोई कैंडिडेट नहीं रहे हैं, पूरा 100% पर रिजल्ट आयोजित किया जाएगा। तो आप सभी का शुक्रिया, चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।